शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या हो गया सुबह सुबह? दीदू हमें यहाँ कोई पसंद नहीं करता, सबको हमारी खुशियों से प्रॉब्लम है। मम्मी पापा शादी के टाइम कह रहे थे कि बहुत अच्छा परिवार है, पर वरुण जी की मम्मी ना टिपिकल सास है। कीर्ति तू ऐसे बोलेगी ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, उल्टा तू मेरी टेंशन बढ़ाएगी। साफ साफ बता ना क्या हुआ है। दीदू अभी तक हमारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और वरुण जी की मम्मी और बुआ जी पहली रसोई का ऑर्डर भी नहीं दिया। इतनी छोटी सी बात? तूने तो राय का पहाड़ बना दिया, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? परेशानी की तो बात है, हमने मना कर दिया, पर मम्मी जी और बुआ जी कह रही हैं कि रसम आज ही होगी। हम क्या करें? आज ही? अरे वो तो कह रही थी अभी ही करते हैं, पर वरुण जी ने बचा लिया। दीदू रसम आज रात को होने वाली, हम कैसे करेंगे? दीदू प्लीज हमें बचा लो। अब इसमें मैं कैसे हेल्प? अरे आपको तो पता है कि हमें तो खाने का के भी नहीं आता। और तो और हमारी फ्रेंड ने भी कहा है जब तक दुल्हन की हाथ की मेहंदी नहीं निकलती तब तक ना उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। और इन्हें देखो ये ऐसे फ्रेंड्स कहाँ मिलते हैं तुझे कीर्ति? कॉलेज तो तू जाती नहीं है। कॉलेज तब जाऊँ ना जब इस सास बहू के ड्रामे से फुर्सत मिले। ये सब छोड़ो दीदू हमारी हेल्प कर दो प्लीज। दूसरों से पहले ना अपने घर पे ध्यान दिया करो। तुम ना अभी तक हमें नहीं बल्कि नैना भाभी को अपनी सास समझती हो। दीदू सगी बहन को हेल्प करने में इतना सोच रही हो? नहीं कीर्ति मतलब ठीक है मैं तेरी हेल्प कर दूंगी पर वैसे नहीं कीर्ति जैसे तू चाहती है। देख कीर्ति ये तेरी पहली रसोई की रस्म है तो खाना तो तुझे ही बनाना होगा। मैं काम करती हूँ, मैं तुझे रास्ते से फोन करूंगी और जैसा जैसा कहते जाओ ना तू वैसा करते जाना। पर दीदू ये मुझे पता है तू अच्छे से मैनेज कर लेगी। ठीक है अभी मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, बाय। दीदू आप जानती है ना कि हम कैसे करेंगे ये सब? आप हमें जानती नहीं है क्या? हम आपकी तरह सर्वगुण संपन्न नहीं है। मैं करती हूँ तुझे कॉल। हे भगवान, अरे सारा सामान भी तो हमें ही लाना है, हम क्या कर रहे हैं? इस घर की शो का नाम रख देना चाहिए नई बहू का नया टॉर्चर। बाहर से सामान तो मंगवा सकते थे ना, पर नहीं हमें टॉर्चर करना है। दीदू भी हमारी हेल्प नहीं कर रही। लाओ मैं उठा लेता हूँ, रख दूंगा अंदर, तुम गिरा दोगी। खबरदार हमारी थैलियों को हाथ लगाया, पता है तुम्हारे इरादों के बारे में, तमीज कहीं के। पगलेट हो क्या? एक तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ऊपर से मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो, और कौन सी बदतमीजी करती मैंने तुम्हारे साथ? हेल्प करनी है? आज तक अपनी बीवी की हेल्प करी तुमने? जानते तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में। क्या मतलब मेरा कैरेक्टर पता है? लूजर तुम्हारा कैरेक्टर, मौका मिला नहीं लगे हम पे लाइन मारने। थोड़ी तो शर्म कर लो, हमारी दीदी के पति हो तुम। तुम ना भाग पार कर रही हो, और कौन सी इतनी अप्सरा हो तुम जो तुम पे लाइन मारूंगा मैं? अप्सरा है या नहीं वो तो तुम रहने दो, पर तुम्हारी नियत में पक्का खोट है। अकेले ना तुमसे ये सामान उठाया नहीं जा रहा था, इंसानियत के लिए तुम्हारी मदद के लिए आया था, लेकिन मेरी मत मारी गई थी। अरे तुम ना किसी मदद के लायक ही नहीं हो।
क्या हुआ कीर्ति, तू रो क्यों रही है? अच्छा 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 ठीक है, तू रोना बंद कर और बता क्या हुआ। तूने कहीं अपना हाथ तो नहीं चला लिया किचन में? कीर्ति ठीक है, तो मुझे कुछ बताएगी नहीं तो मैं तेरी हेल्प कैसे कर पाऊंगी? दीदू ये देखो ना क्या हो गया। ये देखो सारा फैल गया। दीदू हमने आपको बोला था ना आपसे नहीं हो पाएगा, आपने हमें अकेला क्यों छोड़ा, हम क्या करें? कीर्ति ये क्या हालत बना दी है तूने अपने किचन की? दीदू आपने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था हमने बिल्कुल वैसा किया। दीदू दीदू दो घंटे बचे, आप क्या करेंगे? सासू जी और बुआ जी तो ताने मार मार के हमारी जान ही ले लेंगी। कुछ काम नहीं करती है लड़की, क्योंकि इसे कुछ आता जाता ही नहीं है। इसकी जिद को बढ़ावा देने की बजाय इसे कुछ सिखाओ। नीचे और ऊपर दो अलग घर हैं और तुम्हारी सास हम हैं और यही तुम्हारा परिवार है। दीदू ये देखो हमारी खीर पूरी जल गई है, क्या सोच रहे हो? कीर्ति तू अभी फोन रख और प्लीज रोना बंद कर। क्या करे क्या करे, साढ़े पांच बज गए। ये घड़ी भी सरपट दौड़ रही है, अब एक घंटे में हम क्या करेंगे? क्या करे क्या करे, ये नहीं कढ़ाई में तेल डाल। मुझे ये सारा काम जल्दी से निपटाने दो। हाँ, आप पीछे बैठते हैं, आप करो। अब दीदू आ गई, सब संभाल लेंगी। यू चावल का है यहाँ पे, हमने धोके रखा है ना तो हमें आता है। माँ मैं फैला रखा है तूने की थी। हमने क्या किया, खुद ही फैल गया। अरे वाह आंटी जी, घर में नई बहू क्या आई, आपकी तो ऐशी हो गई, चाय भी हाथ में मिल रही है। जरा श्रद्धा से कह के हमारे लिए भी चाय बनवा दीजिए। चाय पीने की तलब हो रही है जी। तो फिर एक काम करो, किचन में जाओ और खुद बना लो जैसे हमने बनाया था। वैसे भी श्रद्धा अभी तक आई नहीं है। अच्छा पर हमने तो उसे बाहर देखा था गली में, घर आके भी घर नहीं आई, अजीब बात है। दीदू आपने तो जादू कर दिया, आप कमाल के हो। मायर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? कम से कम तू खाना बनाना तो सीख जाती ना, यही होता। ऐसे इसमें ना गलती मेरी है, मम्मी सही कहती थी। दीदू आप सास मत बनिए, झेलने के लिए काफी है। कीर्ति धीरे बोल, कोई सुन लेगा। किस्मत से टकराती
उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।